हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग? सब अच्छे होंगे। चलो बच्चों, आज हम सुबह की प्रार्थना से, अपनी वंदना से प्रारंभ करते हैं। कक्षा दो के बच्चों, आज हम ब्रेन रूट सीरीज बाय अमित पब्लिशिंग हाउस, देववाणी संस्कृत पाठ माला भाग दो, पाठ एक, प्रथम पाठ वंदना। वंदना क्या होती है? प्रार्थना, ईश्वर की प्रार्थना। आज हम प्रार्थना से अपनी शुरुआत करते हैं। चलिए सब हाथ जोड़कर ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं, ये बच्चे कर रहे हैं प्रार्थना। स्टार्ट करते हैं। मह्यं सद्बुद्धि प्रयच्छ, सत्कार्याणि करिष्यामि। मह्यं शरीरं बलं प्रयच्छ, अन्येषां रक्षां करिष्यामि। क्या कह रहे हैं बच्चों? ये बच्चे कह रहे हैं कि मुझे, हे भगवान हमें, यानी कि हे भगवान हमें क्या दो? हमें सद्बुद्धि दो, यानी कि अच्छी बुद्धि दो, जिससे कि हम या मैं अच्छे काम कर सकूं। ये बालक क्या कह रहा है कि हे ईश्वर, हे परमपिता परमेश्वर, मुझे सद्बुद्धि प्रदान करो, अच्छी बुद्धि दो, जिससे कि मैं अच्छे कार्य कर सकूं, और मेरे शरीर में इतनी शक्ति दो, इतना बल दो, जिससे कि मैं दूसरों की रक्षा कर सकूँगा। जब मेरे शरीर के अंदर शक्ति होगी, तभी तो मैं दूसरों की रक्षा करूँगा, है ना बच्चों? तो क्या कह रहा है बच्चा कि मेरे शरीर में इतना बल दो, इतनी ताकत दो, जिससे कि मैं दूसरों की रक्षा कर सकूँ। मह्यं मधुरं वाणी प्रयच्छ, सदैव मधुरं वदिष्यामि। मह्यं श्रवण शक्तिं प्रयच्छ, हित वचनानां श्रवणं करिष्यामि। बच्चा क्या कह रहा है ईश्वर से कि हे ईश्वर, मुझे ऐसी वाणी दो, इतनी मधुर वाणी दो, इतनी मीठी वाणी दो प्रभु, जिससे मैं हमेशा, सदैव हमेशा मीठे वचन बोलूं, और मुझे इतनी सुनने की ऐसी शक्ति दो, जिससे कि मैं हितकारी वचनों को, यानी कि जो अपने भले के लिए, जो अच्छे वचनों को, जो मेरे हित में जो वचन हो, बातें हो, उनको मैं सुन सकूं। तो मुझे ऐसी सुनने की शक्ति दो प्रभु, जिससे कि मैं हितकारी वचनों को सुन सकूं। तो ये बच्चे ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं कि हे ईश्वर, हमें सद्बुद्धि दो, जिससे कि हम अच्छे कार्य कर सके, हमारे शरीर में ऐसी शक्ति दो, ऐसा बल दो कि हम और दूसरों की भी रक्षा कर सके, हमारी वाणी में इतनी मधुरता दो, इतनी मिठास दो, जिससे कि हम हमेशा मीठा बोले, और हमारी सुनने की शक्ति ऐसी हो कि हम उन वचनों को ही सुन सकें जो हमारे हित में हो, जो हितकारी हो, उन वचनों को ही हम सुने। तो बच्चों, आपने देखा कि इस प्रार्थना में बच्चे ईश्वर से क्या प्रार्थना कर रहे हैं, क्या कह रहे हैं, और हम सभी यही प्रार्थना करते हैं कि हे ईश्वर, हमें ऐसा ही वरदान देना कि हम इतने ही कार्य कर सकें। तो चलिए बच्चों, हम पाठ में आए हुए कुछ शब्द और उनके कुछ अर्थों के बारे में जानते हैं। कुछ शब्द हैं मह्यं। मह्यं क्या होता है? मुझे, ठीक है। और है सद्बुद्धिम। सद्बुद्धिम क्या है? अच्छी बुद्धि। और प्रयच्छ माने क्या है? दो। सत्कार्याणी क्या है? अच्छे कार्यों को। सत माने अच्छे, कार्याणी माने कार्यों को, अच्छे कार्यों को। करिष्यामि माने करूँगा, क्योंकि कौन कह रहा था? वो बच्चा कह रहा है, बालक कह रहा है, करिष्यामि करूँगा। शरीर बलम, शरीर की शक्ति, शारीरिक शक्ति, है ना। और अन्येषां माने अन्येषां, दूसरों की। मधुर वाणी, मीठी वाणी को। और सदैव, हमेशा। मधुरम, मीठा। और वदिष्यामि माने बोलूँगा, वद माने बोलना, और इसमें लिट लकार में वदिष्यामि बोलूँगा। श्रवण शक्ति, श्रवण माने सुनना, शक्ति माने शक्ति, सुनने की शक्ति। हित वचनानाम यानी कि हितकारी वचनों का, जो मेरे हित में जो मेरी बातें हों, उन्हीं बातों को मैं सुन पाऊँ। जो फालतू की बातें हैं, जो मेरे को किसी कुछ लेना देना नहीं है उन बातों से, या कोई मुझे बुरा अपशब्द कराए, मैं उन बातों को सुनूं ही ना, मैं केवल वही बात सुनूं, ऐसे मेरे कान, ऐसी मेरी श्रवण शक्ति हो जाए कि मैं उन्हीं वचनों को सुनूं जो कि मेरे लिए
हितकारी हूँ। और ऐसा हमें सबको करना चाहिए बच्चों, कि हम अगर कोई हमें कुछ कहता है, हमें सुनना, ऐसी बातें नहीं सुननी चाहिए कि उसने ऐसा कह दिया, हमने सुना ही नहीं। केवल हमें क्या करना है, हमें वही बातें सुननी है जो हमारे भले के लिए हों, जो हमारे लिए हितकारी हों। तो बच्चों चलिए आज इस पाठ का हम अभ्यास कार्य करते हैं। अभ्यास कार्य में बच्चों कुछ प्रश्न दिए हुए हैं, हमें उनके उत्तर देने होंगे उन प्रश्नों के। और आप इन प्रश्नों के उत्तर बच्चों चाहें तो हिंदी में भी दे सकते हैं, ठीक है ना, क्योंकि बालकः सद्बुद्धि किमर्थं वांछति, बालक सद्बुद्धि की क्यों प्रार्थना कर रहा है। सत्कार्याणि करिष्यामि, अच्छे कार्य करूंगा, है ना। बालकः मधुरवाणी किमर्थं वांछति, बालक मधुरवाणी क्यों इच्छा करता है मीठी वाणी की। मधुरम वचनम वदिष्यामि, मधुरम वचनम वदिष्यामि। बालकः श्रवण शक्तिं किमर्थं वांछति, बालक श्रवण शक्ति क्यों इच्छा करता है सुनने की शक्ति की। हितवचनानां श्रवणं करिष्यामि, जो मेरे हित में वचन होंगे, जो अच्छी बातें होंगी, मैं वो ही सुन सकूं, ऐसा बच्चे ने प्रार्थना की। नेक्स्ट एक्सरसाइज पे चलते हैं बच्चों हम। दूसरी हमारी एक्सरसाइज है पंक्ति पूरयत, पंक्तियों को पूरा करो। आपने इसमें देखा बच्चों जो पंक्तियाँ आई थी, आपको ये पंक्तियाँ कंठस्थ हो जानी चाहिए, लर्न हो जानी चाहिए, क्योंकि जब आपको याद होंगी वो पंक्तियाँ तो आप तुरंत से उन पंक्तियों को पूरा कर दोगे। जैसे मह्यं सद्बुद्धिं प्रयच्छ सत्कार्याणि करिष्यामि, दूसरा है डैश अन्येषां रक्षां करिष्यामि, मह्यं शरीरबलं प्रयच्छ अन्येषां रक्षां करिष्यामि, इतना शारीरिक बल दो कि हम दूसरों की रक्षा में कर सकूं। मह्यं मधुरवाणीं प्रयच्छ, मधुरं वचनं वदिष्यामि, जिससे कि मैं मधुर वचन बोलूंगा। नेक्स्ट है डैश हित वचनानां श्रवणं करिष्यामि, श्रवण शक्तिं प्रयच्छ, हित वचनानां श्रवणं करिष्यामि, मह्यं श्रवणं शक्तिं प्रयच्छ हित वचनानां श्रवणं करिष्यामि, मुझे ऐसी सुनने की शक्ति दो जिससे कि मैं हितकारी वचनों को सुन पाऊँ। तीसरा हमारी एक्सरसाइज है बच्चों वर्ण विच्छेद करना है। वर्णों का ये जो दिया हुआ है एक शब्द, इसका हमें वर्ण विच्छेद करना है। पहला क्या है, शरीर है, शरीर में श प्लस अ प्लस र प्लस ई प्लस र प्लस अ, क्या बन गया शरीर। तो हमने शरीर है ना। अभी श्रवणम श प्लस र प्लस अ प्लस व प्लस अ प्लस ऋण प्लस अ प्लस म प्लस अ श्रवणम, ठीक है, श्रवणम है ना। नेक्स्ट है सदैव स प्लस अ प्लस द प्लस आई प्लस व और प्लस अ सदैव है ना। अब है मधुरम, म प्लस अ प्लस ध प्लस
उ प्लस र प्लस अ प्लस म और प्लस अ मधुरम। पढ़ सकते हो ना आप मधुरम। और इस प्रकार हमने जो ये वर्ण विच्छेद करना था हमने ये एक्सरसाइज करी। ऐसे बहुत सारे शब्द होंगे जिनका कि आपको वर्ण विच्छेद करना होगा और आप समझकर अच्छे से वो कर सकते हैं। अब हमारी एक्सरसाइज है एक्टिविटी रचनात्मक कार्य, जो कि हमें बहुत अच्छा लगता है, इंटरेस्टिंग लगता है और हम बहुत आराम से उसको करते हैं। जैसे अपने अभ्यास पुस्तिका से कोई भी एक भगवान की प्रार्थना लिखो और उसको उसमें कलर करो और अपने अध्यापक या अध्यापिका को उसको दिखाओ कि हमने ये एक और प्रार्थना लिखी है, ईश्वर की प्रार्थना। एक छोटा सा श्लोक भी है, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, सब बच्चों को याद होगा और याद होना भी चाहिए। और बहुत सारे ऐसे ईश्वर की प्रार्थना हैं जिसमें कि हम भगवान की प्रार्थना करते हैं। वो आप कोई भी एक प्रार्थना अपने चार्ट पेपर पर या अपने एक ड्राइंग शीट पर बनाकर अपने टीचर को दिखा सकते हैं आप, है ना बच्चों। तो इस प्रकार आपने देखा कि हमने पाठ एक में वंदना करी ईश्वर की, ईश्वर से प्रार्थना करी कि हे ईश्वर हमें ऐसी बुद्धि देना, ऐसी वाणी देना, ऐसी सुनने की शक्ति देना बच्चों। और नेक्स्ट पार्ट में हम आपसे फिर मिलते हैं, तब तक के लिए आभार।